بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه अल्लाह ताला की हम्द व सना और हुज़ूर जानी कायनात मब्दाए कायनात मंशाए कायनात बल्कि मकसूद कायनात अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हदीये दरूद व सलाम पेश करने के बाद इंतहाई इज्जत के लायक सद इहतराम उलामाए ज़ीबाकार मेहमानाने ज़ीबाकार और आज की इस अज़ीम शान हतम नबूवत कॉन्फ्रेंस के मेज़बान हज़रत मौलाना साहबज़ादा मोहम्मद उमर इहसानुल्लाह साहब इनके तमाम रफ़ाक़ा मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप काफ़ी देर से यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और आपने बड़ी कीमती खताबात समात फरमा लिए हैं और बिलखसूस अभी जब मैं यहाँ हाजिर हुआ आप एक बड़ा इल्मी खताब समात फरमा रहे थे। हज़रत मौलाना डॉक्टर खादम हुसैन खुर्शीद अल अज़हरी मद्दज़िल्लाहुल आली का साया अल्लाह ताला अहले सुन्नत पे तादीर सलामत रखे। आप जिस अहसन अंदाज के साथ शहर शहर नगर नगर तौसीफ़े मुस्तफ़ा के चराग रोशन करते हैं और अकीदे ख़त्म नबूवत पर पहरा देते हैं, अल्लाह ताला ने आपके ख़ास इस पर एक मलिका अता किया है। अल्लाह ताला हज़रत खुर्शीद मिल्लत की इज्जत में वक़ार में मज़ी इजाफा फरमाए। तो मैं चंद गुजारशात पेश करके आपसे इजाज़त चाहूँगा। सबसे पहले तो साहबज़ादा मोहम्मद उमर इहसानुल्लाह साहब को आपकी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम सजाया, अल्लाह ताला इस पर आपको अजर अजीम अता फरमाए। ये बात याद रखें, सदियाँ बीत गईं, जमाने बदलते रहे, आने वाले इस दुनिया में आते रहे, जाने वाले इस दुनिया से जाते रहे, लेकिन हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले, उनकी अदाओं पर मर मिटने वाले और उनके नाम पे अपनी जानें कुर्बान करने वाले और अकीदा खत्म नबूवत पर पहरा देने वाले हर दौर में रहे, आज भी है, इंशाअल्लाह कयामत तक रहेंगे। इसलिए कि मेरे करीम आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, उनके नाम पे अपनी जानें कुर्बान कर देना और नमूसे रिसालत पर पहरा देना हमारे ईमान का हिस्सा है और हमारे ईमान की जान है। हम उन तमाम शुहदाए नमूसे रिसालत को और शुहदाए खत्म नबूवत को जिन्होंने नमूसे रिसालत की हिफाजत करते हुए अकीदे खत्म नबूवत पर पहरा देते हुए अपना माल भी दिया, जाने भी कुर्बान की, हिराज तहसीन पेश करते हैं।
तो ये मेरा और आपका भी ये फर्ज बनता है, हम किसी भी तबके के साथ ताल्लुक रखते हो, जिस तरह खुर्शीद मिल्लत बता रहे थे, आप ताजिर हैं, तिजारत करें, आप वकील हैं, वकालत करें, आप डॉक्टर हैं, आप उस पेशे में जो खिदमत कर रहे हैं आप करते रहें, लेकिन अकीदा खत्म नबूवत पर पहरा देना ये लाजमी बना लें, अपनी जिम्मेदारी समझ के आपने अपने हिस्से का किरदार अदा करना है। और यही बात सियासतदानों के लिए भी है, उसका भी किसी भी सियासी जमात के साथ ताल्लुक हो, लेकिन जब अकीदा खत्म नबूवत की बात आए फिर लीडरों की तरफ नहीं देखना, फिर गुंबद खजरा को देखना है, और फिर मकीने गुंबद हजरा की तरफ देखना है। आप कदम बढ़ाएंगे अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा। और ये अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, हमारे बुजुर्गों को ये शान ये शौकत अता फरमाई। मेरे वालदे गिरामी हजूर सैयदी वसानदी उस्तादी व उस्तादुल उलमा हजूर किबला शेखुल हदीस अलामा हाफिज मोहम्मद आलिम रहमतुल्लाह अलैह, जब ये 53 की तारीख चली थी खत्म नबूवत की, आप उस कारवां में कियादत करने वालों में शामिल थे। और आप जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह उस खत्म नबूवत की तहरीक में 10,000 के करीब लोगों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी थी। एक बात सुने और अपने ईमानों को मजबूत करें, हजूर किबला अबुल हसनात रहमतुल्ला अलैह के साहबजादे हजरत मौलाना खलील अहमद रहमतुल्ला अलैह को उस तहरीक में खत्म नबूवत की वो जो तहरीक थी, सजाए मौत का हुक्म सुनाया गया, वो जेल में थे, लोग हजूर अबुल हसनात रहमतुल्लाह के पास आए इजहार हमदर्दी के लिए, और उनके एक ही बेटे थे मौलाना खलील अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, तो लोग हमदर्दी के तौर पे आए कि हजूर हमें बड़ा सदमा पहुंचा है कि आपके नूरे नजर को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया गया है। आपने फरमाया तबस्सुम फरमाते हुए फरमाया, ओ गम किस बात का, सदमा किस बात का, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूं, एक ही मेरा बेटा ये खलील था, अल्लाह ताला ने वो भी कबूल कर लिया है, अगर और भी मेरे बेटे होते और भी मेरी औलाद होती तो मैं उसे भी नमूसे रिसालत पर पहरा देते हुए कुर्बान करने के लिए तैयार था। अकीदा खत्म नबूवत के तहफ्फुज करते हुए अगर मेरे एक बेटे की जान चली जाएगी तो मैं समझता हूं ये मेरे लिए और मेरे बेटे के लिए बड़ी सआदतमंदी की बात है। तो अल्लाह ताला हम सबको बेदार रहने की तौफीक अता फरमाए। आयत का तर्जमा आपने सुन लिया कि अल्लाह फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं और खातमुल नबीयीन हैं, अल्लाह के आखिरी नबी। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद खातमुल नबीयीन के माने की वजाहत फरमाई, فرمایا سيكون في امتي 30 كذابون كلهم يزعمون انه نبي انا خاتم النبيين لا نبي بعدي। فرمایا میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں, فرمایا میں خاتم النبيين ہوں لا نبي بعدي میرے بعد کوئی نبی نہیں। अब और किसी लुगत की किसी और तशरीह की जरूरत बाकी रहती नहीं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद वजाहत फरमा दी कि खातमुन नबीयीन का माना क्या है। और यही अल्हम्दुलिल्लाह खातमुन नबीयीन का जो माना है उलमा शहर शहर नगर नगर लोगों को बताती हैं इसका माना क्या, आखिरी नबी। तो अल्लाह ताला ने फकीर को भी ये सआदत अता फरमाई,
मैं पार्लियामेंट का जब रुकन बना आज़ाद कश्मीर असम्बली में, और कबीना का भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं रुकन बना। मेरे पास ये मजहबी अमूर और औकाफ का पोर्टफोलियो है। अकीदा हतम नबूवत के हवाले से जिसका भी वो जिक्र कर रहे थे, जो करारदाद पेश की, मैंने उस करारदाद में ये कहा कि आइंदा जो भी इस पार्लियामेंट का रुकन बनेगा, जब वो अपने ओहदे का हलफ उठाएगा, साथ ही अकीदा खत्म नबूवत पर भी हलफ देगा। और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वज़ारा-ए किराम जब अपने ओहदों का हलफ उठाएंगे, उसके साथ साथ वो अकीदा खत्म नबूवत पर भी हलफ देंगे। और उस करारदाद में ये भी अल्हम्दुलिल्लाह ये भी लिखा था कि ये जो आजाद कश्मीर कानून साहब असेंबली की इमारत है, जिस तरह पंजाब असेंबली में ये आयत लिखी है जो मैंने अभी पढ़ी, मा कान मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातम नबीयीन, ये आयत भी लिखनी है राइट साइड पे, कलमा के राइट साइड पे, ये दरमियान में कलमा तैयबा, राइट पे ये आयत होगी, और दूसरी साइड पे ये हदीस पाक जो मैंने तिलावत की है, सयकूनु फी उम्मती सलासून कज़्ज़ाबून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबीयुन अना हातमुन नबीयीन अला नबी बादी। ये हदीस भी लिखी जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम पार्लियामेंट ने इस फैसले की ताइद की और इत्तेफाक के राय से वो करारदाद पास हो गई। और फिर और आप सुन के खुश होंगे, सबसे पहले जो मेरी वजारत ने नोटिफिकेशन किया वो ये किया कि आजाद कश्मीर में जितने भी निकाह होंगे अब इजाब कबूल से पहले दूल्हा और दुल्हन पहले अकीदा हतम नबूवत पर जो है वो हलफ देंगे, उसके बाद उनका निकाह पढ़ाया जाएगा। है अल्लाह ताला इस कोशिश को कबूल फरमाए, और मेरे लिए जितने अराकीन असेंबली जिन्होंने इसकी हमायत की थी, अल्लाह ताला उनके लिए भी इसको जरिया नजात बनाए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारी तरबियत ही ऐसी हुई है, मेरी रगों में हजरत क़िबला शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह का खून है। ये जब फैज़ाबाद में धरना था तो मैंने वहाँ तकरीर की, तो इमामुल मुजाहिदीन हज़रत मौलाना ख़ादम हुसैन रज़वी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे फरमाए एक को और तकरीर करनी है। मैंने उनको कोई मशवरे दिए, मैंने कोई कि ये जो मुज़ाकराती टीम है उस उनको कहें ये बातें भी रखें। उन्होंने कहा ये जो बातें मुझे बता रहे हो तो ये तुमने उधर जा के फिर तकरीर में ये आपने कहनी है। मैंने कहा नहीं, इजाज़त दें, एक तकरीर बड़ी है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये ज़रूरी बातें हैं, ज़रूर करनी है। तो ये बातें हो रही, तो एक बंदा आया, तो उसने आके, हम खैमे में बैठे थे, वजू करने के लिए आए थे नमाज का वक्फा, ये भी हमारे केस फैलो हैं, हैं, एक होता ना क्लास फैलो, एक केस फैलो, उस केस में इमामुल मुजाहिदीन हज़रत मौलाना ख़ादम हैं, रज़वी साहब भी हैं, हज़रत साहब दादा मोहम्मद आओ रज़वी साहब भी हैं, और हज़रत उस्ताद उलमा हज़रत पीर मोहम्मद अफजल कादरी साहब भी हैं, और हज़रत मौलाना आसफ अशरफ जलाली साहब भी हैं। ये सब हम उस केस में, लेकिन अब जमानते हो गई हैं, अब फिक्र नहीं करनी, ठीक है। तो किसी ने कह दिया कि ओ जनाब इनको कहें, मेरा भी एक सियासी जमात के साथ ताल्लुक है, तो उन्होंने कहें इनको कहें उस जमात को छोड़ के इसमें आ जाए। तो मुझे थोड़ा सा महसूस हुआ, तो मैंने कहा मेरी रगों में हजूर क़िबला शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह का खून है, हम जिधर भी हों अपने मसलक का भी तहफ़ुज़ करते हैं, और अकीदा जो हतम नबूवत है उस पर पहरा भी देते हैं, और नमूस रिसाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बात आए
हम पीछे रहने वाले नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आगे जान देने के लिए भी तैयार होते हैं। तो किबला इमामुल मुजाहिदीन ने जब ये सुना ना तो फौरन कहने लगे तुसी जिथे भी हो वो साढ़े ही हो। इसलिए आपका किसी भी सियासी जमात के साथ ताल्लुक है या किसी भी तंजीम के साथ ताल्लुक है, आपके लिए भी यही दावत फिक्र है। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूज की बात आए, अकीदा खत्म नबूवत के तहफ्फुज की बात आए, तो फिर आपने पीर साहब से इजाजत नहीं लेनी, फिर आपने उस्ताद साहब से इजाजत, फिर आपने अपने सियासी लीडर से भी इजाजत नहीं लेनी, आपने किसी की इजाजत के इंतजार नहीं करना, बल्कि उसी लम्हे आपने जो है आगे बढ़ना है और नमूसे रिसालत के तहफ्फुज के लिए जो आप किरदार अदा कर सकते हैं वो किरदार आपने अदा करना है। क्योंकि हमारी तरबियत इमाम अहले सुन्नत मौलाना अशाह हमदर्ज़ा फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या हो की है, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, नहीं दो जहां से भी जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। और इकबाल के शहर से मेरा भी ताल्लुक है, इकबाल ने क्या कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। अगर इस शेर को राम से पढ़ा जाए ना ठहर ठहर के, हम तो जल्दी में पढ़ जाते हैं ना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, अगर राम से पढ़े ना क्या कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, अगर तू मेरे करीम आका से वफा करेगा तो मैं तेरा हूं, और अगर तू मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा नहीं करेगा, तू जितना मर्जी लीडर हो तुम हमारे पांव की जो जूती है उसकी नोक पे भी हम तुम्हें नहीं लिखते हैं। तो जो मेरे मुस्तफा करीम के साथ वफा करेगा तो वो हमारे सर का ताज बनेगा, अल्लाह ताला सारी कायनात उसके ताबे कर देगी, कर देगा अल्लाह ताला सारी कायनात उसके कदमों में लाकर ढेर कर देगा, तो सारी कायनात उसके ताबे हो जाएगी। जो अपने नबी की इज्जत पर पहरा देता है अल्लाह ताला उसे दुनिया में भी इज्जत अता फरमाता है, आहरत में तो इज्जतें मिलनी मिलनी है। तो इसलिए जब तक हमारे जिस्मों में जान है या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपसे वफा करेंगे, हम आपसे वफा करेंगे, हम आपसे वफा करेंगे। तो ये अकीदा खत्म नबूवत के हवाले से ये अजीम शान जो कॉन्फ्रेंस इनेकाद पजीर है, इसका भी यही मतलब है, यही मकसद है कि आपने बेदार रहना है और आपने अपने हिस्से का किरदार अदा करना है। अल्लाह ताला साहबजादा हज़रत मौलाना मोहम्मद उमर एहसान उल्लाह साहब को और अज़मत अता फरमाए, और इनके दोनों कज़न, क्या एक उसामा है दूसरा है अब्बास साहब, ये माशाल्लाह बड़े मुझे मुतहर्रिक ये नौजवान लगे हैं। अल्लाह उसामा साहब को भी, अब्बास साहब को भी और इनकी पूरी टीम को अल्लाह ताला मज़ीद हिम्मत अता फरमाए। तो मैं एक बार फिर आपको खिराज तहसीन भी पेश करता हूँ, मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। अल्लाह ताला मेरी और आप सबकी इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस में हाजरी कबूल और मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।